हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके प्लांट भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने कुछ कैक्टस को रिपोर्ट किया था। सॉरी, मैं रिपोर्टिंग का वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं रिपोर्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये मेरा गार्डन का किंग यानी फेरो कैक्टस है, इसको मैं गार्डन किंग के नाम से बुलाती हूँ। ये देखिए, ये मैमेलेरिया कैक्टस है। इस पे देखिए, ये बर्ड्स आई हुई है। इनमें कल सुबह ओपन होके येलो कलर का फ्लावर आपको दिखाएगी। ये गोल्डन ग्रीन है, इसके पप्स आए हुए थे। तो देखिए, इसमें मैंने दो पप्स निकाले हैं। एक तो ये वाला निकाला है और एक ये वाला निकाला, सॉरी, हाँ, दो पप्स निकाले और दो बहुत छोटे थे तो मैंने उसी में लगे रहने दिए। रिपोर्टिंग से पहले मैंने पप्स इसलिए निकाले ताकि इसको अपनी रूट वापस से एडजस्ट करने के लिए टाइम मिले। ये इसका मैमेलेरिया का पप्स है जो कि मैंने इससे अलग करके अलग एक छोटे से गमले में डाला है। इसके मुझे तीन पप्स मिले, ये देखिए, ये तीनों इसी के हैं और इस पर बहुत सारी बर्ड्स आई हुई है और ये कल से ही फ्लावर निकालना शुरू कर देगी। ऑलरेडी दो तीन फ्लावर इसको आ चुके हैं और दो तीन तीन बर्ड्स आई हुई है। एक मेरे हाथ से टूट गई जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था। ये देखिए, तीन आई हुई है और बाकी चार है वो अभी बहुत छोटी है। हमें प्लांट्स को, कैक्टस को, कोई सा भी प्लांट हो, रिपोर्ट करते रहना चाहिए जिससे कि उसकी ग्रोथ ना रुके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। ये देखिए, ये जब इतना बड़ा हो जाएगा, पूरी पूरे गमले को कवर कर लेगा, तब इसमें फ्लावर आएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।